क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सुरक्षा व्यवस्था अपना खत्म करवा लो, ऐसा ही आ जाओ रोड पर। और आपको सेना पर भरोसा नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको भगवान श्री राम पे भरोसा नहीं है, आपको भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा नहीं है, आपको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, आपको अपने चाचा पर भरोसा नहीं है, तो आपके जैसे नाकारा और नालायक इंसान पर उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भरोसा करेगी? जब आपको किसी पर भरोसा ही नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं चले जाओ। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करती है, लेकिन वही कांग्रेस केरल में लेफ्ट के अपोजिट में जाकर खड़ा होती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी गठबंधन करती है बुआ के साथ, कभी बबुआ के साथ, कभी सबको मिलाकर साथ चलती है, लेकिन जब कहीं भी उनको कुछ नहीं दिखता है तो उसके बाद बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब गांव के भी लोग आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, आप किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहे थे। गांव में कौन रहता है? वही किसान रहते हैं गांव में। पब्लिक है, सब जानती है, जनता जब देख रही है, जनता जान रही है, तो आप मानकर चलिए कि कोई भी गठबंधन हो जाए, चाहे संजय सिंह जाकर अखिलेश यादव से मिल लें, या मायावती जी मिल लें राहुल गांधी जी से, या राहुल गांधी और ना हो तो ओवैसी को मिला लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। 19% पर उनको इतना घमंड है, स्वाभिमान नहीं अभिमान है, तो फिर 81% क्या करेंगे? वो बैठकर तमाशा देखने के लिए नहीं है। अगर इस देश में हम वीर हनीफ का चर्चा करें, अगर हम कलाम साहब का चर्चा करें, तो पता नहीं क्या हो गया इन लोगों के साथ कि उनको मानने वाले कम है। लेकिन आप कसाब का चर्चा कर लें, आप बुरहान वानी का चर्चा कर लें, उनको रोल मॉडल और आइडल मानने वाले ज्यादा लोग। राष्ट्रवादियों का सरकार आ गया, अब विकास का बात करने वाले लोगों का सरकार आ गया, अब सबको एक साथ लेने वाले लोगों का सरकार आ गया। तो जब ये लोग अपने समय का और अपने मौका का सही उपयोग कर रहे हैं, तो अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको लग रहा है कि यार अब तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हम करें तो क्या करें। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य करेंगे तो आखिर आपको कौन सा समीकरण और कौन सा खड़यंत्र रोक। 2022 का जो चुनाव है वो सिर्फ मोमेरेंडम तय करने के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया से पहले ही उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूर्ण रूप से और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में उनको बैठाने का निर्णय ले लिया। ट्रेलर ही इतना हिट है तो आप मानकर चलिए कि 2022 की आने वाली फिल्म कितनी सुपरहिट साबित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में ठीक 7 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से विपक्षी दल अपने आप में बयानों की बौछार कर रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को बम्पर वोट मिले उसके बाद विपक्षी दल के पेट में दर्द सा शुरू हो गया है, घबरा गए हैं और तमाम विपक्षी दल अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आ गए हैं। ओवैसी मंच पर आके खड़े होकर ये कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, तो अखिलेश यादव संजय जी के साथ गठबंधन की बात करते, तो वही दूसरी तरफ रायबरेली सीट, उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां से अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे। और ऐसे में आज पीएम मोदी का दौरा भी है बनारस के लिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक सुभाष सिंह जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से विपक्षी दल बयानों की बौछार करें, ओवैसी जी बोलते हैं भाई अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए मुस्लिम, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कावड़ यात्रा के जरिए योगी आदित्यनाथ टारगेट कर रहे हैं, वोटर्स को अपनी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस जो है उसका भी सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है, तस्वीर साफ दिख रही है, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जी बिल्कुल, जितने सारे राष्ट्रवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं, जितने सारे विकासवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं, जितने सारे भाई और भतीजावाद के राजनीति को खत्म करने वाले लोग हैं, जितने सारे भ्रष्टाचार की कुरीति को समाप्त करने वाले लोग हैं, जितने सारे माफिया राज को उत्तर प्रदेश में खत्म होने का जो सपना देखते आए थे और 2017 के बाद जिन लोगों ने देखा कि कैसे माफिया राज खत्म होता है और कैसे कानून का राज स्थापित किया जाता है, वो तमाम लोग, उत्तर प्रदेश की वो तमाम जनता आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है। और कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जीरो से हीरो बनाती है और हीरो से जीरो बनाती है, और जब जनता वहां के यशस्वी, लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है तो चाहे कुछ भी खड़यंत्र कर लिया जाए कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपने बहुत सही बात बोला कि रायबरेली से, लेकिन रायबरेली ही क्यों, जब हम कांग्रेस का चर्चा करते हैं तो 2014 से पहले कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, बट अब आज देखिए आज की डेट में कांग्रेस का क्या सिचुएशन है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करती है, लेकिन वही कांग्रेस केरल में लेफ्ट के अपोजिट में जाकर खड़ा होती है। कांग्रेस को ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि अजमल का सपोर्ट लेती है असम के चुनाव में,
और फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना होते हैं उनका सपोर्ट लेती है बंगाल के चुनाव में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2013 में पहला बार सपोर्ट करके यहाँ पर सरकार बनाती है और वहीं आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस को अपना हैसियत बता देती है और यहाँ की जनता हैसियत बता देती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी गठबंधन करती है बुआ के साथ, कभी बबुआ के साथ, कभी सबको मिलाकर साथ चलती है, लेकिन जब कहीं भी उनको कुछ नहीं दिखता है तो उसके बाद बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने 2019 में देखा था अमेठी हाथ से गया, अमेठी में भी यही हुआ था। अमेठी में जब आपको याद होगा 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनीति को पास से समझने वाले लोगों ने इस बात को बता दिया था कि कहीं ना कहीं जब सारे विधानसभा में राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं अगर उनकी पार्टी चुनाव हार रही है तो कहीं 2019 में ऐसा ना हो कि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार जाएं, और वही हुआ। आज रायबरेली के जनता का वो सपोर्ट है कि रायबरेली जहां से सोनिया गांधी जी आती है, और सोनिया गांधी क्यों, गांधी नेहरू परिवार का वो परंपरागत सीट रहा है जहां पर गांधी नेहरू परिवार के किसी भी सदस्य को अगर खड़ा कर दिया जाए तो सबको पता था कि वहां से वो जीतेगा ही। अब वहां पर जब जिला पंचायत जो कि छोटे स्तर का चुनाव होता है वहां पर गांव से लेकर शहर का तो आपने स्थिति देखा कि लोकसभा में क्या हुआ, विधानसभा में क्या हुआ, जहां पर पंचायतों की स्थिति होती है, पंचायतों के सिलसिलेवार तरीके से चुनाव होता है। अब गांव के भी लोग आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, आप किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने का कोशिश कर रहे थे, गांव में कौन रहता है, वही किसान रहते हैं गांव में। तो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी जब वहां से खो रही है तो आप इस बात को मानकर चलिए कि 2022 के चुनाव में रायबरेली का सदर सीट भी और ऐसे भी जाने वाला है क्योंकि अदिति सिंह वहां से विधायक है, अगर मैं सही हूं तो, कांग्रेस की प्रत्याशी थी, अखिलेश सिंह जी की बेटी थी। और आपने तमाम जगहों पर देखा होगा कि अदिति सिंह बोलते आती हैं कि योगी आदित्यनाथ के काम से हम कितने खुश हैं। और एक और बात, अब आपने बताया कि क्या होगा 2022 में, तो जब आपके पार्टी के अंदर ही ऐसे तमाम आवाज सामने आने लगते हैं, जब आपके पार्टी का कोई ना कोई नेतृत्व ही इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही सही मायने में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और नई उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं, तो फिर जनता तो सब है, ये पब्लिक है, सब जानती है, जनता जब देख रही है, जनता जान रही है, तो आप मान कर चलिए कि ये कोई भी गठबंधन हो जाए, चाहे संजय सिंह जाकर अखिलेश यादव से मिल लें, या मायावती जी मिल लें राहुल गांधी जी से, या राहुल गांधी और ना हो तो ओवैसी को मिला लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जो 81% जनमानस है उत्तर प्रदेश का, अभी किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था योगी जी से दो दिन पहले कि 19% को साथ लेकर चलने का बात कर रहे हैं ओवैसी, तो योगी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि अगर 19% पर उनको इतना घमंड है, स्वाभिमान नहीं अभिमान है, तो फिर 81% क्या करेंगे, वो बैठकर तमाशा देखने के लिए नहीं है। 81% वाले को भी समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, और आप मान कर चलिए कि 2022 में 81% वाले दिखा देंगे। और एक और बात, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव हाँ हमारे लिए राम मंदिर मुद्दा था और हमने कर दिखाया कि कैसे जब प्रदेश में बीजेपी का शासन हुआ, जब देश में बीजेपी का शासन हुआ, तो मोदी और योगी ने मिलकर भारत ही नहीं जिस पर पूरे दुनिया का नजर था, दुनिया के तमाम राम भक्तों को उपहार देने का कार्य किया, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उस काम का अगर आप चर्चा कर ले, और हम लोग तो चाहेंगे कि डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए, डेवलपमेंट इशू होना चाहिए, डेवलपमेंट के बारे में अगर कोई चर्चा करे, तो इस बात को आप मान कर चलिए कि कहीं भी विपक्षी नहीं टिकने वाले हैं। जब डेवलपमेंट का बात आएगा तो वहां पर इस बात को मैं मानता हूं डाटा के अनुसार, प्रूफ के अनुसार, कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ फार बेटर हैं कंपेयर टू अदर ओपोनेंट्स, और उसके वजह से 2022 में प्रचंड बहुमत से फिर से वो आने वाले हैं। सर देखा जाता है जब भी चुनाव आता है विपक्षी दल, चाहे वो अखिलेश हुए, मायावती हुए, कांग्रेस हुई या फिर ओवैसी जी, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है जब चुनाव आता है, दौड़ पड़ते मुस्लिम समुदाय के पीछे, लेकिन जब बात असल में उनके काम करने के लिए आती है तो सिर्फ बीजेपी सामने आती है, बाकी कोई दल तो दिखाई नहीं देता। हाँ, समझने की आवश्यकता है। आप किसी का भी बात कर लें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेवक है नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम लोग जिसके रास्ते पर चलते हैं उन्नीत प्रतिदिन 365 दिन बोलते थे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो जब हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का चर्चा करते हैं तो इसमें संपूर्ण भारत के 135 करोड़ लोग आते हैं,
इसमें ना हम स्पेशली हिंदू को कैटेगराइज करते हैं, ना सिख को करते हैं, ना बौद्ध को करते हैं, ना जैन को करते हैं, ना पारसी को करते हैं, ना मुसलमान को करते हैं। भारत में जन्म लेने वाला हर एक इंसान के लिए हम बोलते हैं कि हे माता सबको सुखी रखो, सबको खुशी दो। लेकिन अपने आप को तथा कथित मुस्लिम समुदाय का ठेकेदार बताने वाले ये लोगों की राजनीति मस्जिद और कब्रगाह से आगे कभी नहीं बढ़ पाई। जब आप अखिलेश यादव का चर्चा की तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बात याद होना चाहिए कि वो अखिलेश यादव हैं जो अपने बजट से 6-6 हजार करोड़ रुपए कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए दे दिया करते थे। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि आपने मदरसों में हाई एजुकेशन हो उसके लिए क्या किया, इनके पास कोई भी एक प्रूफ नहीं रहेगा। आपने कितने वर्ल्ड क्लास स्कूल का निर्माण कराया नहीं पता है, कितने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया नहीं पता है। ऐसे लोग जिनकी राजनीति कब्रिस्तान से लेकर मस्जिद तक सीमित रहती थी, ये लोग कहीं ना कहीं जो सबके साथ और सबके विकास का बात करता है उसको प्रपंच रचने वाला बता सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोला, उत्तर प्रदेश की पब्लिक से पूछिए और देखिए, दो तरह के लोग हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। एक वैसे लोग हैं जो मुसलमान होते हुए भी, अब इस राष्ट्र में बहुत सारे मुसलमानों ने भी आज़ादी में अपना योगदान दिया है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आज उनको मानने वाले कम हैं। अगर इस देश में हम वीर हनीफ का चर्चा करें, अगर हम कलाम साहब का चर्चा करें, तो पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों के साथ कि उनको मानने वाले कम हैं। लेकिन आप कसाब का चर्चा कर लें, आप बुरहान वानी का चर्चा कर लें, उनको रोल मॉडल और आइडल मानने वाले ज्यादा लोग हो गए हैं। और अब राजनीति कैसी हो चुकी है मुसलमानों की कि उन्हीं को आगे करके वोट बैंक की राजनीति को सेकने का कार्य किया जाए। अभी आपने देखा ATS ने लखनऊ से 2 आतंकियों को उठाने का कार्य किया, ये कौन से लोग थे और इनके पक्ष में कौन आया? क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? अरे भैया, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सुरक्षा व्यवस्था अपना खत्म करवा लो, ऐसा ही आ जाओ रोड पर। और आपको सेना पर भरोसा नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको भगवान श्री राम पे भरोसा नहीं है, आपको भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा नहीं है, आपको अपने बाप पर भरोसा नहीं है, आपको अपने चाचा पर भरोसा नहीं है, तो आपके जैसे नाकारा और नालायक इंसान पर उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भरोसा करेगी? जब आपको किसी पर भरोसा ही नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं चले जाओ, और नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के बाद आपका जो सही स्थान है, गलती से आप आजमगढ़ से चुनाव जीत गए और वहां पर भी आप क्यों चुनाव जीते, अगर वहां के समीकरण को आप देखने का समझने का कोशिश कीजिएगा तो खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा और सबके समझ में आ जाएगी। आप मान कर चलिए कि इनकी जो स्थिति हो चुकी है 2022 में तो जाहिर है 2024 के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से सांसद बनने के लिए इनके राजनीतिक जीवन में लाला पड़ जाए, और मुझे दिख रहा है कि होने वाला है। पब्लिक आज के डेट में वो 1950 और 1960 वाली पब्लिक नहीं रही है। जब आप पत्रकार महोदय या हम जब हम लोग देखते होंगे कि जो लिटरेट रेशियो है, जो एजुकेशन रेशियो है देश का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो जब लिटरेट रेशियो बढ़ रहा है तो पब्लिक भी लिटरेट हो रही है, और जब पब्लिक लिटरेट हो रही है तो पब्लिक को पता चल रहा है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो आप कितना दिन किसी को मूर्ख बनाकर रहेंगे? जब पब्लिक इस बात को समझ रही है कि हमारे लिए योगी ही सही है, हमारे लिए मोदी ही सही है, तो आप लाख गाहे बगाहे जो मन सो कर लें, कृषि कानून पर विरोध करने का षड्यंत्र रच लें, CA NRC पर विरोध करने का षड्यंत्र रच लें, अभी जनसंख्या नीति आई है उस पर विरोध करवा लें, जो कुछ भी आप कर लें, होगा वही जो पब्लिक चाहती है। और पब्लिक के मन में योगी और मोदी बसते हैं, तो मोदी को जैसे 2019 में पब्लिक ने दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया, ठीक उसी प्रकार 2022 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को दोबारा लाने का कार्य करने जा रही है। आपने बात की पब्लिक लिटरेसी की, आपने बात की जनसंख्या की, जनसंख्या कानून भी लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं या सपा के कुछ नेता वो ये कह रहे हैं कि बच्चे तो अल्लाह की मेहरबानी है, फिर क्यों इसे रोका जा रहा है? मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ है ये कानून, क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग अपने आप को सत्ता के उस जगह पर पाते थे, जिन्हें लगता था कि सत्ता से इनको कोई डिगा ही नहीं सकता था, आज पहला बार जब नरेंद्र भाई मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने बोला कि हम देश के प्रधान सेवक हैं, और उसके पहले आपने देखा था कि लोग अपने आप को, राजतंत्र समाप्त हो चुका था लेकिन अपने आप को राजा समझ बैठे थे और अपने आप को राजा ही समझते रहते थे। पहला बार ऐसा हुआ कि किसी भी मंत्री से, किसी भी सांसद से, किसी भी विधायक से कोई डायरेक्ट जाकर मिल सकता है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और किसी को कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो उसके पहले
या तो वहां पर लुटियंस मीडिया की टीम बैठती थी मंत्रियों के घर पर, या वैसे लोग आते थे जिनसे उनको कुछ न कुछ लेना देना रहता था। तो ऐसे लोग मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं, और जो व्यक्ति मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका हो उसके बारे में चर्चा करके हम लोग व्यर्थ का समय नहीं व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय जो है इम्पोर्टेंट और पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना है। कहीं भी किसी भी देश का आप चर्चा कर लें तो संसाधनों की संख्या सीमित होती है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उन संसाधनों के जो उपयोग और उपभोग करने वाले लोग होंगे उनकी भी संख्या बढ़ेगी। अब सीमित संसाधन में अगर उपभोग करने वाले की संख्या बढ़ जाए तो आप मान कर चलिए कि लोगों को कमी आना लाजिमी सी बात है, लेकिन संसाधन के अनुरूप अगर संसाधन के रेशियो में पॉपुलेशन भी रहेगा तो हमारे पास सब कुछ रहेगा, फिर आने वाले समय में हम भी अमेरिका और जापान और जर्मनी जैसा रह पाएंगे। तो इसका चर्चा कौन लोग नहीं कर रहे हैं? इसका चर्चा वही लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग किसी ना किसी प्रकार से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के खिलाफ कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं भारत के खिलाफ कार्य करने का बात, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनको देशद्रोही बोल रहा हूं। मेरे बोलने का मतलब है कि उनको वोट बैंक की राजनीति की पड़ी है, इसके लिए वो भारत के डेवलपमेंट को नहीं देख पाते हैं। और मौका जनता ने उन्हें दी थी, जब जनता ने उन्हें मौका दिया था तो वो लोग उस मौका को भुना नहीं पाए। अब राष्ट्रवादियों का सरकार आ गया, अब विकास का बात करने वाले लोगों का सरकार आ गया, अब सबको एक साथ लेने वाले लोगों का सरकार आ गया। तो जब ये लोग अपने समय का और अपने मौका का सही उपयोग कर रहे हैं तो अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको लग रहा है कि यार अब तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हम करें तो क्या करें। आखिर हम जो सारा मुद्दा लेकर जाते, अब हम मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। 2014 में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी गुजरात से काशी बनारस आए थे तो उन्होंने बोला था कि काशी को हम क्योटो के तौर पर विकसित करेंगे। बहुत सारे लोग ने उनका मजाक उड़ाने का कार्य किया था, उन्होंने बोला था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। मैं आज का आपका उदाहरण देना चाहता हूँ, और खास करके जो उस रीजन से रहने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं उस एरिया से आता हूँ इसलिए मुझे पता है। 2012-13 से पहले हम लोग पढ़ाई किया करते थे बाहर में, तो जब हम लंका पहुंचते थे और लंका से जब हमें बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होता था तो हमें 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। लेकिन 2014 के बाद हमने क्या देखा, बाबतपुर इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे बन जाने के वजह से उसी एयरपोर्ट पे जाने में हमें आधा घंटा का समय लगता है। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा, हमने वहां पर वाटरवे को देखा, हमने वहां पर पेयजल की समस्या का कैसे समाधान हुआ उसको देखा, हमने सीवरेज की समस्या का कैसे समाधान हुआ उसको देखा, हमने कभी कल्पना नहीं किया था हमने रिंग रोड को एयरपोर्ट रोड के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है उसको देखा। आज हमने रुद्राक्ष जैसे कन्वेंशन सेंटर को बनारस में साबित और सिद्ध होते हुए देखा। तो जब इतनी सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अगर देश का कोई प्रधान सेवक कर रहा है तो आप हमें बताइए कि कहां से मौका बचेगा। और बिल्कुल यही तो काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने का बात है। और क्योटो का एग्जांपल क्यों दिया गया था, क्योंकि क्योटो जापान की एक ऐसी सांस्कृतिक नगरी है जहां पर अध्यात्म और सांस्कृतिक के साथ मॉडर्न सिविलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और यही सपना था, यही ड्रीम प्रोजेक्ट था बनारस को लेकर प्रधानमंत्री जी का, कि बनारस को जो हम सांस्कृतिक देश की राजधानी बताते हैं तो वहां की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी होने के साथ साथ मॉडर्न लेवल पर उसका डेवलपमेंट कैसे हो इसके बारे में हमें कार्य करना है। और जब ऐसा कार्य चल रहा है, और मैं तो एक शहर का आपको उदाहरण दे रहा हूं, जब आप वहां पर एक्सप्रेसवेज का बात करते हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या गोरखपुर से लेकर गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा हो या जेवर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा हो या तमाम ऐसे विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं दिन प्रतिदिन। 2017 से पहले जहां पर 12 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज के डेट में उससे 4 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस का या तो शिलान्यास हो चुका है या लोकार्पण हो चुका है। जब आप स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य करेंगे तो आखिर आपको कौन सा समीकरण और कौन सा खड़यंत्र रोक लेगा। कुछ भी कर ले, पब्लिक है, पब्लिक सब जान रही है और समझ रही है। और पब्लिक जब देख रही है कि हमारे जनमानस के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, और वहां पर जब नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है तो आप मान कर चलिए कि 2022 का जो चुनाव है वो सिर्फ मोमेरेंडम तय करने के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया से पहले ही उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूर्ण रूप से और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में उनको बैठाने का निर्णय ले लिया है। एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवाद राजनीति ज्यादा होती है। मायावती जो है वो देखती हैं जो उनके समुदाय के लोग हैं, अखिलेश देते हैं अपने समुदाय के लोग, कांग्रेस देती है मुस्लिम समुदाय के लोग। बीजेपी की बात करें, जिला पंचायत की बात करें तो पूरी तरीके से बीजेपी ने सबका सूपड़ा साफ कर दिया।
2022 में क्या भगवा रंग फिर से उड़ेगा? बिल्कुल, और भगवा को कौन रोक सकता है? आज भी देखिए भगवा लहर रहा है। मैं जब जिला पंचायत अध्यक्ष का आपने बात किया, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का, तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ। एक हमारे राजनीतिक अभिभावक हैं, गोंडा कैसरगंज से सांसद हैं, आदरणीय श्री बृजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से 6ठे मर्तबा सांसद हैं, 10 से ज़्यादा जनपदों की जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दिया था और 10 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने का उन्होंने कार्य किया। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी लास्ट वीक, उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, उन्होंने बताया कि वहां पर सबका सपोर्ट हमें मिला इस चुनाव में। जब सबके सपोर्ट का हम बात करते हैं तो जितने लोग विकासवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जितने लोग वंशवाद को दुत्कारने वाले लोग हैं, जितने लोग भाई भतीजावाद को समाप्त करने वाले लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों का सपोर्ट मिला है। तो ये तो मैं बोला ही आपसे कि ये झांकी था। अभी 2022 में बहुत कुछ बाकी है और 75 में 67 आउट ऑफ 75 जब जिला पंचायत के चुनाव में अध्यक्षों की कुर्सी आपको मिलती है, 825 ब्लॉक प्रमुखों में 635 से ज्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, तो आखिर यही लोग तो हैं जो ग्राउंड लेवल से लेकर, जो पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी के झंडा को और भगवा के झंडा को लहराने का कार्य करेंगे। तो ये तो ट्रेलर है। जब ट्रेलर ही इतना हिट है तो आप मानकर चलिए कि 2022 की आने वाली फिल्म कितनी सुपरहिट साबित होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये तो सुभाष सिंह जिन्होंने हमसे खास बातचीत की उत्तर प्रदेश चुनाव पर। देखना काफी अहम होगा क्योंकि 2022 का चुनाव में सिर्फ 7 महीने हैं और 7 महीने के अंदर क्या विपक्षी दल के क्या कुछ बयान सामने आते हैं ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए ओ न्यूज हिंदी के साथ। जय हिंद।